हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टाइम इज प्राइस, प्राइजेस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज ए वेरी स्पेशल डे और एन इवेंट डे. लेट्स टॉक अबाउट द बजट डे. बजट डे को जो ओपनिंग प्राइस है, व्हाट्स दैट? दैट इज 17,534.95. और डिग्री क्या हमारे को मिली? 210 का मतलब क्या? 3 hours एंड 30 और 31 minutes. तो 3 hours मीन्स 10, 11, 12, 12:30-31 का समय हमारे पास आया. लेट्स प्लॉट दैट. 12:30 एंड दिस इज द 12:30. दिस इज द 12:30 वेयर फ्रॉम वेयर द मार्केट टैंक्ड. बजट डे के दिन मार्केट ऊपर सरवाइव करता रहा और जैसे ही 12:30 हुए, वहां पर 3-4 minutes में ही बड़ी गिरावट आई. उसके बाद एक पुल बैक, और पुल बैक ये जो हाई लो है इस कैंडल का जो 12:30 पर फॉर्म किया गया, उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं. उसको पूरे दिन में एक बार भी ये ब्रीच नहीं कर पाया. सो दिस इज द वन. इसको राइट साइड एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड राइट, और इसको मैंने ओके कर दिया. नाउ दिस इज एक्सटेंडेड और इस कैंडल को पूरा मार्क कर लेते हैं. जस्ट ए सेक. इसको पूरा हाई और लो को मार्क कर लेते हैं. एंड हाई एंड द लो ऑफ दिस कैंडल 12:30, विच वॉज एग्जैक्टली द टॉप और द डबल टॉप. एंड फ्रॉम देयर दैट प्राइस रीअटेम्प्टेड दिस जोन और उसके बाद एक बड़ी गिरावट कुछ ही समय में दिखाई दी. और वहां से फिर मार्केट ने जो पुल बैक यहां से किया, पुल बैक वॉज एग्जैक्टली टू द जोन जो हमने जोन फॉर्म किया 12:30 की कैंडल से. बिल्कुल वहीं तक वो अटेम्प्ट किया और उसको ऑन द बजट डे कुड नॉट क्रॉस एट ऑल. और ये जो बजट डे का चार्ट वेल इन एडवांस प्लॉट किया गया था, वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही एक गिरावट और गिरावट के बाद एक पुल बैक शो कर रहा था. और वैसी ही गिरावट उस दिन आई. दैट वाज ए शार्प फॉल. और उस शार्प फॉल का टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम के फार्मूले के हिसाब से एकदम स्टीक, एकदम ऑन दैट डॉट ऑन पॉइंट था. और वहां से उसकी गिरावट और उसके बाद वो पुल बैक, दोनों चार्ट्स अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाए फॉर दैट पर्टिकुलर डे. लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट, दिस थर्सडे. इस थर्सडे को भी ये टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम ने काम किया या नहीं. ओके, दिस इज 3rd of Feb को जो ओपनिंग है, दैट इज व्हाट? 17,776.75. तो दैट कम्स 17,777 एंड द नंबर कम्स इज 14. बहुत 14.47, ये बहुत अच्छा नंबर मिला है हमारे को आज. या तो बाजार में मूवमेंट नहीं हुई, अगर मूवमेंट चालू हो गई तो एक तरफ का बहुत बड़ा ट्रेंड बनने की उम्मीद है. अभी तो 10:50 हुए हैं और ये जो पहली कैंडल है इसी को ट्रेंड डिसाइडर बनाते हैं. 10:14 था तो 9:15 की कैंडल को ही ट्रेंड डिसाइडर बनाते हैं. इसके नीचे इसने गिरावट दे दी है, उसके बाद एक पुल बैक अभी कर रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बना तो आज पूरा दिन एक तरफ की गिरावट देखने को मिल सकती है. और ये अभी कुछ और समय बीता, 12:00 और जो सुबह जो बॉटम था उसको भी ब्रीच कर दिया है प्राइस ने, और फॉल को अभी वो कंटिन्यू कर रहा है. तो होपफुली ये शायद आज लोएस्ट लो पे बंद हो, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठ सकते हैं. लेकिन अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें. लेट्स ट्राई. और ये फर्दर थोड़ी और गिरावट आ गई 12:20, 12:30 का समय है. और अभी व्हाट वी कैन डू, और एक थिंग और, द बजट डे प्रोजेक्टेड चार्ट एंड रियल चार्ट के अंदर इट वॉज बीन मैंशनड कि कल मार्केट गिरने वाला है. हाउ इट वॉज? यस, 13 आवर्स बैक
इट वॉज बीन मैंशन कैन द निफ्टी करेक्ट टुमारो, इतनी बड़ी रैली के बाद क्या कल मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी? एज इट वॉज बीन आस्ट, विल निफ्टी करेक्ट टुमारो? टूडे इन द मॉर्निंग सेशन ओनली इट इज डाउन बाय 70+ पॉइंट्स और ये अभी डाउनवर्ड जर्नी इज स्टिल ऑन. होपफुली वॉट वी कैन सी इज द लोएस्ट लो टूडे, बट हम लोग स्टॉप लॉस इसका जरूर रखते हैं. किस तरह से स्टॉप लॉस रखें, या तो हम लोग ट्रेंड लाइन से प्ले कर सकते हैं, या व्हाट द बेस्ट वी कैन डू इज लेट्स ट्राई द कॉन्सेप्ट ऑफ 50%. और अभी कुछ ये पुल बैक चालू हो गया मार्केट के अंदर. मार्केट के अंदर जो बड़ी हिम्मत थी कि बाजार लगातार गिरता चला जाएगा, कुछ पुल बैक आया, लेकिन अपना स्टॉप लॉस कहां रखें? जो ऊपर हाई था वहां से आज के लो के बीच जो 50% आ रहा है, वी विल कीप द स्टॉप लॉस ऑफ दैट 50%. उसके ऊपर बाय, नीचे सेल, नॉट ए ओनली स्टॉप लॉस. दिस पॉइंट कैन बी यूज्ड एज ए ट्रेंड डिसाइडर. नाउ व्हाट इज दैट 17,702, अगर इसके ऊपर निकलता है तो व्हाट वी कैन डू इज नाउ वी कैन बाय, और इसके वापस नीचे गिरे तो देन वी कैन शॉर्ट सेल. दिस आल्सो कैन बी, अवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैन बी मैनेज्ड विद दिस. और ये जो सुबह हाई से लो बनाया था उसका जो 50% है उसकी वैल्यू है 17,730. और एक बार वहां तक गिरने के बाद ये दोबारा ये पुल बैक करते हुए बस उसी पॉइंट तक गया, 17,730. फिर दोबारा इसने करेक्शन ली. दूसरी बार तो वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, उसके पास भी नहीं जा पाया, और वहां से इसने बॉटम को भी नीचे ब्रीच कर दिया एंड इट इज स्टिल ट्रेडिंग डाउनवर्ड. अभी भी क्या हुआ है, 17,702 के पास नहीं पहुंच पाया, 17,702 के पास नहीं पहुंच पाया, और ये वापस अभी 17,667 का रेट बना दिया. ये दो पॉइंट्स हैं जो हाई से पहला लो बना और इस हाई से जो लोएस्ट लो बना है, इन दोनों पॉइंट से ही 50% को कैलकुलेट किया गया, जिनकी वैल्यू है 17,702 एंड 17,730. मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू है, 17,675. नाउ द मार्केट दोबारा पुल बैक, वो 702 को नहीं क्रॉस कर पाया एंड नाउ दिस हैज ड्रॉप टू 17,606 की वैल्यू अभी है. और ये मार्केट जैसा अजम्पशन था इन द मॉर्निंग, इट इज मूविंग अकॉर्डिंगली. व्हेन वी गेट ए 14 और 15 डिग्री, इट मींस व्हाट, द मार्केट आइदर विल नॉट मूव एट ऑल, बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा, या फिर ट्रेंड लेगा और ट्रेंड को पूरा दिन वो कंटिन्यू रख सकता है ऑन इन वन डायरेक्शन. बट दैट मे नॉट हैपन. हाउ टू मैनेज इट? मैनेज इट बाय व्हाट? बाय प्राइज एक्शन, या आपका कोई भी और कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑसिलेटर्स या कोई भी और चीज आप यूज करते हैं, तो यू ट्राई इट आउट और उसके साथ इसको मैनेज करें. जो टाइम इज प्राइज, प्राइज इज टाइम, इज ओनली एन अलर्ट. ये केवल अलर्ट है, उसको किस तरह से उसका एडवांटेज लेना है, दैट वी कैन डू बाय अवर इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और द प्राइज एक्शन. ऑल राइट, सो दिस इज वर्किंग वेल. अभी इट हैज रीच टू 17,600, लगभग 200 पॉइंट से अधिक की गिरावट हो चुकी है फ्रॉम द हाई ऑफ द डे. और इसका अगर अभी मैं 50% लूं, जो यहां तक गिरावट हुई है, तो व्हाट शुड बी अवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? दैट कैन बी 17,660. सो दैट विल बी द नाउ स्टॉप लॉस टू अवर ट्रेड. ऑल राइट, लेट सी. फिर दोबारा इसने गिरना शुरू किया, दैट इट हैज कम टू 17,599. लेट सी, नाउ विल चेक समवेयर नियर टू 330. मार्केट ने यहां से पुल बैक फिर दोबारा लेना शुरू किया, और ये पुल बैक अगर ये 660 को काटता है तो देन देयर कैन बी ए साइन ऑफ रिवर्सल, अदरवाइज द ट्रेंड कैन कंटिन्यू टू फॉल फर्दर. एंड दिस इज द क्लोजिंग टाइम, और प्राइस हैज रीच टू 17,518. इट हैज रीच टू 17,518 और 16.
लगभग 300 पॉइंट की गिरावट, और ये जो स्टॉप लॉस था अबाउट 17,640 का, वो क्रॉस नहीं हुआ। दोबारा जो ये 50% का कॉन्सेप्ट था, इट्स वर्क्ड वेरी वेल, और वहां पर जहां इसने 50% का तक का पुल बैक लिया 17,640, वो अपने आप में फिर एक ट्रेंड डिसाइडर कि इसके ऊपर बाय नीचे सेल, और वहां से बस उसको टच किया और वहां से एक बड़ी गिरावट, और नाउ और एट वी आर एट क्लोजिंग 330, और मार्केट इसी नोट पर इज बीन क्लोज्ड एंड इट हैज रियली रिवॉर्डेड वेरी वेल। निफ्टी ने जहां बजट डे वाले दिन भी अच्छा काम किया, और आज भी टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर, देन द मार्केट वर्क्ड वेरी वेल, वर्क्ड एज ए रॉक। सो दिस वॉज ए स्मॉल एक्सरसाइज ऑन दिस सच ए हाई वॉलेटाइल डेज, क्या उसके भीतर भी ये टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम काम करता है या नहीं। वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट। ये नहीं भी करता, बहुत बार नहीं भी करता, लेकिन कभी करता है तो क्यों करता है, ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट अगेन सेड द टाइम इज प्राइस एंड प्राइस इज टाइम, शायद जो उन्होंने कहा उसको बार बार अप्लाई किया गया, और बहुत बार अप्लाई करने पर उनकी जो कही हुई बात है वो बिल्कुल सटीक उतरी और बहुत सही भी प्रूव हुई। ऑल राइट, विद दिस I wind up this session. Lots of love and blessings.